कड़ी पकौड़ा मैं बना रही हूँ। ये मैंने बेसन मिक्स कर दिया है देख मिक्स, और रेसिपी भी मैं शेयर कर रही हूँ, आपने इसको फुल वॉच कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकौड़ा, और सर्दी आज काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए मैंने सोचा कड़ी पकौड़े बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैं यूट्यूब पे देख रही थी कि कड़ी पकौड़ा कड़ी पकौड़ा कड़ी पकौड़ा, और मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा था ना कड़ी पकौड़ा बनाने का, तो मैंने सोचा आज सर्दी है पकौड़े भी चल जाएंगे और कड़ी भी, तो ये मैं साथ में उसकी रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ कि मैं किस तरह से कड़ी बनाती हूँ। पकौड़े की तो तकरीबन ही सबकी रेसिपी सेम ही होती है, लेकिन कड़ी की सबकी डिफरेंट है। कुछ लोग दही बना दही की जब लस्सी बनाते हैं तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देते हैं और फिर वो तड़का बाद में लगाते हैं, लेकिन मैं अपनी मम्मी से मैंने सीखा है कड़ी बनाना। तो हम लोग ना प्याज डाल के सारा कुछ पहले डाल के सही तरह से भून के फिर उसके बाद हम लोग उसमें लस्सी ऐड करते हैं, मतलब दही की जो हमने लस्सी बनाई होती है वो ऐड करते हैं, और फिर तकरीबन उसको आधा घंटा उसको अच्छे से पकाते हैं तो वो बड़ी मज़े की कड़ी बनती है। तो आप दही को वैसे ब्लेंडर में भी डाल के और साथ में ये डाल के बेसन, तो उसको ब्लेंड करके भी बना सकते हैं, तो मैं इसलिए बना रही हूँ इसमें क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, और अगर मैं जूसर में डाल के ये सारा कुछ करूँगी ना फिर मुझे वो भी धोना पड़ेगा, और ठंड में बर्तन धो धो के ना दिल बड़ा ही तंग पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा मैं इसी में सारा कुछ मिक्स कर लेती हूँ। ये जार है, इसमें दही काफ़ी गाढ़ा है, दो दिन से मैंने मंगवा के रखा हुआ है, क्योंकि फ़ौरन से अगर बनाया जाए ना उसी दिन का दही हो तो उससे कड़ी बनाई जाए ना तो वो कड़ी फट जाती है, वो अच्छी नहीं बनती, तो तकरीबन आप दो दिन उसको फ्रिज में रख दें तो दो दिन के बाद बनाया करें। मट्टी की हांडी में मैं बनाने लगी थी, क्योंकि मैंने वीडियो में एक में देखा मट्टी की हांडी में वो लोग कड़ी बना रहे हैं, तो मुझे एकदम से याद आई कि इस तरह की तो मेरे पास भी है, तो आज मैंने भी सोचा मैं भी इसी में बना लेती हूँ। इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपको दिखाया नहीं, एक बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज लेना है, ये धनिया है, धनिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये रेड चिलीज़ ग्रीन चिलीज़ खूबसूरती के लिए और स्वाद के लिए भी, और ये लहसुन अदरक, और ये मिर्चें हैं, हल्दी है येलो लड्डू पीला कलर, और नमक, ये सारी चीज़ें हैं, और ऑयल में डाल लेती हूँ इसमें सबसे पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, साथ में प्याज, इसको हम गरम हो लेने दें, इसको मट्टी की हांडी को गर्म होने में तकरीबन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। साथ में मैंने ये पकौड़ों के इंग्रेडिएंट्स भी साथ में रखे हुए हैं, पकौड़ों में मैं धनिया नहीं डालूंगी, पालक डालूंगी, और ये साबुत मसाला, ये साबुत धनिया जो है ये मैं थोड़ा सा दरदरा सा करके पकौड़ों में डालूंगी, और ये जो है गरम मसाला इसका मैं आखिर में तड़का लगाऊंगी कड़ी को। अदरक और लहसुन में शामिल कर दूंगी, इसको थोड़ा सा भूनना है बिल्कुल थोड़ा सा, फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स नमक मिर्च और हल्दी, थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही जिसमें मैंने बेसन मिक्स किया हुआ है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मुसलसल साथ साथ में हिलाते रहना, एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना इसको, क्योंकि फिर वो जो है ना लस्सी वो फट जाती है। अगर मैं इसको हिलाना छोड़ दूंगी ना तो फिर वो इसका कड़ी का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा, दरदरी सी हो जाएगी, तो वो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं देती है। इस तरह हिलाती रहूँगी तकरीबन जब तक इसको उबाल आता है, इसके ऊपर जब बबल्स आना शुरू हो जाएंगे फिर मैं इसको छोड़ दूँगी। तकरीबन डन हो चुकी है और मैं इस चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर देती हूँ इसको। और यहाँ पर मैं बना लेती हूँ पकौड़े, ये कढ़ाई रख लेती हूँ और लास्ट में जाएंगी ये ग्रीन चिलीज पूरी पूरी। थोड़ी देर के बाद मैं धनिया भी ऐड करूंगी इसको। इसको उबाल इतने ज्यादा आ रहे हैं इसलिए मैंने इसको ढक्कन इसका थोड़ा इस तरह से रखा है ये, और जितनी देर में ऑयल गर्म होता है इतनी देर में मैं पकौड़ों के इंग्रेडिएंट्स सारे मिक्स कर लेती हूँ। आलू जाएंगे, प्याज और ये पालक मैंने फ्रीज करके रखी हुई थी, मिर्ची, नमक, और खुश्क धनिया जो मैंने ज़रा ज़रा सा पीसा है, दरदरा सा, बिल्कुल इसके दो दो पीस हुए, और बेसन। इसको ना मैं हाथ से पहले एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि फिर पानी डाल देना फिर वो अच्छे से मिक्सिंग नहीं होती, और चम्मच के बजाय अगर हाथ से मिक्सिंग की जाए ना तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। माशाल्लाह से कड़ी की फाइनल कड़ी हो गई है, रेडी है। अब मैं स्टोव बंद कर दूंगी और फिर मैं पकौड़ों का काम शुरू करती हूँ। इस फॉर्म में होनी चाहिए पकौड़ों वाली कड़ी, क्योंकि अब जब हम लोग डालेंगे ना पकौड़े तो ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। फिर अगर पहले ही हम ज़्यादा गाढ़ी रखेंगे तो फिर पकौड़े डालने के साथ ही ना ये ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, फिर वो अच्छा टेस्ट नहीं आता। इस तरह से बेसन मैंने रेडी कर लिया सारा कुछ, अभी मैं इसको डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चेक करती हूँ गरम है। हाँ, इतना सा गरम होना चाहिए ऑयल, क्योंकि अगर तेज़ गरम में हम लोग पकौड़े डालना शुरू कर देंगे ना तो वो फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये फाइनल लुक है कढ़ी की। माशाल्लाह से ये देखिए कढ़ी पकोड़ा। पकोड़े मैंने कम ही डाले हैं क्योंकि अभी हम लोग इनको खा लेंगे, फिर ये शाम को अगर डालने हुए तो और मैं बना के डालूंगी, अगर शाम को भी पकोड़े चाहिए हुए, क्योंकि एकदम से सारे अगर मैं पकोड़े डाल दूंगी तो शाम तक वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे गल के, फिर वो इतना मज़ा नहीं आएगा। अभी के इस्तेमाल के लिए इतने, और शाम को मैं और बना के डालूंगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।